नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि काफी हद तक विवाद हो जाते हैं, लेकिन विवाद से आप नहीं निकल पाते हैं। आसान से उपाय है यदि आप विवादों से निकलना चाहते हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा विवाद हो जाते हैं या किसी से आपसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप उसे जल्दी नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, तो आप उसे दूर करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि जब भी अगर आपको लगता है कि आपकी ही गलती है, तो सबसे पहले उनसे क्षमा याचना कर लें। यदि आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो उससे आपको कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी क्षमा मांगने वाला छोटा नहीं होता है, क्योंकि क्षमा करने वाला और क्षमा मांगने वाला दोनों ही परोपकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर गलती करता है और वह क्षमा मांग लेता है, तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा परोपकारी हो जाता है, क्योंकि क्षमा मांगने से ही यह पता चलता है कि उस व्यक्ति को अपनी गलती का पता है कि उस व्यक्ति ने गलती क्या की है। अक्सर ये विवाद होने का सबसे बड़ा झंझट होता है कि यदि आप किसी से लड़ाई कर बैठते हैं या फिर आपने किसी से गलत बोल दिया है, तो उसमें अगर आप नहीं माफी मांगते हैं तो उसकी वजह से आप में विवाद छिड़ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप इस उलझन में ना पड़े और इस विवाद में ना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन क्षमा मांगने वाला व्यक्ति और क्षमा करने वाला व्यक्ति परोपकारी माना जाता है। यदि आपकी गलती है तो आप क्षमा मांग लीजिए, यदि उसकी गलती है या किसी और की गलती है तो उससे ये बात कह दीजिए कि वह क्षमा ना मांगे, लेकिन उस गलती का एहसास तो हो जाए उसे। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पहले उससे बात विवाद करें। अक्सर देखा जाता है कि यदि गलती दूसरे की होती है तो आप उसे जाहिर करने के लिए उससे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसमें गलती आपकी भी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाद आगे ना बढ़े, आपका जीवन सरलता से कट जाए और आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि क्षमा एक ऐसा शब्द है जो आप अगर इस्तेमाल करते हैं और अपने सद्गुण के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी इससे बुरा नहीं मानता। साथ ही आपकी सादगी आपके रूप में उस व्यक्ति को और भी ज्यादा उत्सुकता पूर्व कर देती कि उस व्यक्ति की गलती ना होते हुए भी उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी। तो इसलिए यदि आपके जीवन में भी विवाद नहीं चाहते हैं, तो क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल करने से आप विवादों से बच सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।